على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين बड़ी मोहब्बत नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूद सलाम दे दरबार में सलाम میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام حاضرین و سامعین عظیم مختشم معززین علاقہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران ذمہ داران کارکنان تمام عاشقان رسول اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی دن میں آج استاد العلماء پیر طریقت برادر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی احمد سعید طفیل صاحب زید اشرف کو آپ کی دعوت پہ ذکر امام علی مقام سننے واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم باڑی میری حاضری میں قبول فرمائے اور ساری خوش نصیبی ہے اج دی محفل دی صدارت واجب القدر صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم دادا حضرت میاں محمد آصف محمدی سیفی صاحب حافظ اللہ آپ فرما رہے ہیں آپ کوئی عام ہستی نہیں آپ میرے پیر مرشد پیر طریقت راہبر شریعت قدوۃ الصالحین برہان الواسطین شیخ العلماء والمشائخ بہت سے جہاں خطبے دوران جنید زمان فرید دہر حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک زید اشرف ہوں آپ دے لخت جگر نور نظر میں آپ صدارت فرما رہے ہیں اور ساری یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں کی موجودگی کے اندر اللہ رب العزت نے سانو چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی میں کوشش کروں گا اپنے موضوع پہ ہی رہا ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہوئے اج چونکہ دسویں محرم الحرام کی رات ہے اے جی نو دس کی درمیانی رات ہے نا امام علی مقام نے یہ رات کربلا کے اندر گزاری اور جو ہی آپ کربلا کے اندر تشریف لے آئے جتھے ٹائم رات ہوتی سی آپ کے خادمین اگے جا کے اس جگہ پہ خیمے لگا دیتے سن اور بعد کے اندر سب تو پہلے مستورات کا خیمہ لگتا سی پھر امام علی مقام کا پھر باقی غلام خدام انہوں کے خیمے لگتے سن ایک جگہ پہ جدو خیمے لگے جس جگہ پہ قلعہ کٹیا جاتا ہے نا زمین چ تازہ خون نکلتا ہے اور جدو مستورات کو لیا کے بٹھایا تو حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ نے پیغام بھیجیا جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تشریف لے آئے نا کہ بھائی جان مینوں نا اس جگہ تو نا خوف آ رہے اسی کسی اور جگہ تے رات رہ لیے جا ہم نے سنیا میں پتا کر لینا اس زمین کے لیے ایک بندہ گزر رہا اسی انہوں بلایا پوچھا بھی یہ زمین کا نام کی ہے انہوں نے کہا یقال له ارض الطف حضور
इस स्थान का नाम करबला है। आप खैमे के अंदर आ गए। आपने फरमाया भैन सच फरमाया सी नाना जान ने कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान के अंदर जुल्मन शहीद कर दिता जाएगा। पर मैं ओ थां है जिथों असा एक इंच भी अगे पिछे नहीं जाना। ठहर गया और बिन यजीद एक लश्कर का जरा है वो जरनैल से एक हजार बंदे आके उन्होंने घेरा पा लिया। तो जो घेरा पाया ना तो इमाम अली मुकाम नाल आके आ गुफ्तगू करने वास्ते मुजाकरात करने वास्ते गुफ्तगू होंगी रही। गुफ्तगू लंबी हुई नमाज का टाइम होया ना जो तो इमाम अली मुकाम ने खादम को फरमाया अजान पढ़। जो खादम ने अजान पढ़ी ना इमाम अली मुकाम ने फरमाया भी अगर तू चाहे तो जाके अलहदा नमाज पढ़ ले अगर साढ़े नाल नमाज पढ़े तो असं तेन मना नहीं करते। उन्हें कहा नहीं हजूर थोड़े अर्गा होर इमाम कि जिसे पिछे मैं जाके नमाज पढ़े अर्गा होर इमाम कि नमाज मैं थोड़े ही पिछे पढ़ागा पर हजूर मेरी मजबूरी है मैं नौकरी यजीद की करदा तनखा यजीद को देना नमाज थोड़े पिछे ही पढ़ागा। नमाज पढ़ी इमाम अली मुकाम ने नमाज पढ़ाई उन्हें होर बिन यजीद ने भी मगर नमाज पढ़ी। अच्छा जो नमाज हो गई ना तो इमाम अली मुकाम ने वो जरा यजीद का एक हजार का लश्कर से ना उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे का लुबे लुबाव यह है कि मैं उस यजीद की हुकूमत तस्लीम नहीं कर सकता जरा अल्लाह के हराम किए इन्हों हलाल करे अल्लाह ने हलाल किए उन्हों हराम करे। मैं उस यजीद की बैत नहीं कर सकता जरा लोगों का माल नजायज लुट रहा हो मखलूक पर जुलम कर रहा हो तो मैं उस जालम की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। इमाम अली मुकाम उन्होंने कहा कि असी बिल्कुल तुहानू इत्थों जान नहीं देना जिनी देर तक इबने ज़ियाद ना आ जाए या उसका पैगाम ना आ जाए। आपने फरमाया असीं जान वास्ते आए भी नहीं जान वास्ते जो इबने ज़ियाद आया पानी बंद कर दिता गया जुल्म की इंतहा शुरू हो गई फिर भी वह कासिद भेजते रहे कि जनाब असीं तुहाडे नाल मुज़ाकरात करना चाहते हैं असीं जनाब तुसीं यजीद के हत्थ बैत कर लो। आपने फरमाया ना ना जिहड़ा फासिक और फाजिर होए जिहड़ा शराबी होए उहदे हत्थ ते बैत हो सकदी नहीं बैत हो सकदी नहीं। इमाम अली मुकाम ने तो किसी जगह पर नहीं फरमाया कि हालात ठीक नहीं चलो फिलहाल हालात नाल समझौता कर लेने जो हालात ठीक हो जाएंगे फिर असीं अपनी आवाज बुलंद कर लाँगे। यह भी नहीं फरमाया कि मेरे नाल ते चंद लोग हैं की बनेगा ना ना इमाम अली मुकाम ने जो मौकफ लैके आए उस मौकफ से डटे रहे। यजीदियां की कोशिश ही सर झुकाया जाए की किया जाए ये सारे। अच्छा जो नौवीं दसवीं की रात आई इमाम अली मुकाम आपने अपने सारे साथियों को बुलवाया बुलवा के फरमाया भाई लोगो ये ना मेरे खून के प्यासे ने तुहाडे नाल ते इन्हां दा कोई झगड़ा नहीं तुसीं इस तरह करो जिहड़े जाना चाहते हो चले जाओ मैं नाराज नहीं हूँ। आपने देखा कोई नहीं उठा तो आपने सोचा शायद ये शर्म के मारे में जा रहे हो आपने चिराग बुझा दिया तो मैं खादम का चिराग बुझा दिया चिराग बुझा दिता। कुछ देर तो बाद जो चिराग जलाया ना देखा एक भी बंदा उठ के जाना था कि अपनी जगह तो एक जरा भी इधर उधर भी नहीं होया। आपने फरमाया भी तुहाडे तो कोई गया नहीं उन्हें अर्ज की हजूर जी अज चले जाइए ते कल सैयद अल-अंबिया के सामने किस मुंह नाल जावांगे। जो हजूर ने पूछा कि मेरा नवासा मेरे दीन की सरबुलंदी वास्ते अपना खानदान लेके मैदान करबला ते उस मैदान कारजार के अंदर मौजूद सी आले दुआले नंगियां तलवारां वाले जालिम और जाबिर मौजूद सन ते कौन कर नाल खड़ोता सी आवाज तो क्या मतलब ते लगेगी जे असीं टुर जाइए ते कल उस दिन सैयद अल-अंबिया के सामने किस मुंह नाल जावांगे। हुण साडे वास्ते लम्हा फिक्रिया है कि जदों क़यामत दा दिन आएगा आवाज़ ते लगेगी
भाई जिन्हों ने खत्मे नबूवत तब्दीली की थी, खड़े हो जाओ आवाज लगेगी। जिन्हें कादियानियों भैन भाई क्या हो खड़े हो जाओ आवाज भी लगेगी। जिन्हें आसिया मलहोना रिहा किया भी खड़े हो जाओ यह भी आवाज लगेगी। कि जिन्होंने नामूसे रिसालत के पहरेदार गोलियां चलाई भी खड़े हो जाओ फिर एक आवाज लगेगी। कि जेड़े हुजूर की इज्जत और नामूस से कुर्बान होते रहे ते जेड़े उन्होंने नाल खलोते रहे वह भी खड़े हो जाओ। खामोशी ना बैठो या नारा इंज लाओ ते बोलो तुसी इत्थे ते आवाज गुंबद ए खिदरा तक जा। फैसला कौम ने करना है और पूछा तो जाएगा ना कि जिन्हें जनाब खत्मे नबूवत के कानून ने तब्दीली की थी, जिन्हें क्रिकेट वास्ते मस्जिदों को ताले लाए, जिन्हें उलमा मशाइख सादात के फोर्स को लाए, जिन्हें या रसूलल्लाह कहने के बदले उलमा के मुंह पे जुतियां मारियां क्या इस मुंह नाल या रसूलल्लाह कहते रहे हो ते लखा सलाम उन्होंने उलमा को उन्होंने क्या कहते ही नहीं रहे और लख बुलंद करो आज भी कह रहे हैं और जिंदगी की चोट पे कह रहे हैं लबैक लबैक या रसूलल्लाह लबैक या रसूलल्लाह लबैक या रसूलल्लाह लबैक लबैक या रसूलल्लाह नामूसे रिसालत दे पहरेदारां ते फ्रांस नूं खुश करन वास्ते जिन्हां गोलियां चलाईयां कौन कौन बाद चुनां नाल खड़ोता रहा और कौन कौन जनाब हुजूर दे दीन नूं तख्त ते लिआउण वास्ते अपनी मेहनत और कोशिश करता रहा और दसो तुसी नामूसे रिसालत वालों दे नाल सो या जनाब वो कादियानियां दे भैण भाई जिहड़े ने उन्हां नाल सो या नामूसे रिसालत ते गोलियां चलाउण वालों दे नाल सो। जवाब तो क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा और जब पैदा है तो तुम मुबारक होए और इंशाल्लाह असीं खड़े होवांगे जिबला अमीनुल मुजाहिदीन दे नाल। देखो नवासा रसूल होए खूने रसूल होए खूने रसूल कोई आम शह नहीं। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना पछड़े लगवाए, पछड़े लगवा के ना जो जरा खून मुबारक निकला ना अब्दुल्ला बिन जुबैर को अता फरमाया, फिर मैं दफन करे वो खून मुबारक लेके गए तो दीवार के पीछे जाके ना मुँह रखे तो खून मुबारक पी गया। जो पी लिया ना हूँ सियाबा के बैठे सन मस्जिद हुजूर दे सामने ये अमल होया दीवार दे परे। जो अब्दुल्ला बिन जुबैर वापस आए ना तो सियाबा ने पूछा तू खूने मुबारक पी गए, सियाबा ने कहने दस्या सियाबा ने क्यामत तक आने वाली दुनिया नु दस दिता कि जिन्हां दी निगाह चेहरे मुस्तफा नु तक ले दीवार उन्हां वास्ते पर्दा नहीं बनती और चेहरे मुस्तफा नु तकने वाले वास्ते दीवार मुबारक पी रहा जी यार सुन्ना पी रहा
मैं कैसा सी अब किती सोने अतिया तो मिनल मिस्क आला मिनल असल सोने कस्तूरी तो खुशबूदार शहद तो मिठा सरकार ने पता की इरशाद फरमाया पर मैं लोगों सुन लो ये जन्नती हो गया की हो गया क्यों ये जिसम खून रसूल चला गया हूँ बोला माफ फरमाते हैं कि जिदे जिसम खून रसूल का एक कतरा चला जाए अल्लाह उस एक कतरे को बचाने वास्ते पूरे जिसम जन्नती कर देता पूरे जिसम यार जेड़े हुसैन सिर के बालों तो लैके पैरों के नाखना तक बने खून रसूल तो और सैयद अलंबिया के कन्या से खेलते रहे उन्होंने मुकाबले भी लोग जाके यजीद फरीद खलो गए हाँ जी परेशान होने की लड़ नहीं लेकिन नसीब अपना अपना है इतने माशर के मैदान पता चलेगा ना अज भी जेड़े यजीदी है ना यजीद नेकमीन कहते हैं इन्ना जरूर कहते हैं कि हक पर तो हुसैन ही था यह क्यों नहीं मनते ने हक पे मौला हुसैन ही सन बाहर हर आपने सुनया भी चिराग बुझा दो चिराग बुझा दिते गए बाद देखा कुछ बाबा डेढ़ के बाद जो चिराग जलाया कोई भी ना गया सारे मौजूद है भी गया क्यों नहीं सोने जे चले जाइए तो मास्टर आए दिन सोने मुस्तफा के सामने कि समूह वाल जावे अच्छा आपने सब वास्ते दुआ फरमाई तो मैं सारे आराम कर लो सुबह जरा है हको बातल का मारका होगा और आपने इमाम अली अकबर गाजी अब्बास अलमदार इन्होंने फरमाया कि जाओ मैदान कारजार का चक्कर लगा लिया एक गए मैदान कारजार का चक्कर लगाया जो तो वापस आए ना इमाम अली मुकाम ने पूछा कि मंत्र देखा अर्ज की कि बाबा असी देखे कि एक परदा नशीन औरत है और मैदान करबला अपने हाथों नाल साफ कर रही रोड कट्ठे कर रही मैं जानते हो कौन है नहीं बाबा असा देखा परदा नशीन औरत बैठी असी थोड़ा जहा साइड बना के बन गए आपने फरमाया वो मेरी मां सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा कि कल मेरा लख दे जिगर शहीद हो गया जमीन पर जलवादार होगा कि मेरे कोई रोल होती जिसम तकलीफ न दे और आपने उन्होंने शहजादिया ने फरमाया जाओ आराम करो सुबह मैदान कारजार के अंदर जाना है शहजादे भी आराम करने वास्ते चले गए आप तिलावत के कुरान फरमा रहे सन तिलावत करद्या करद्या नींद आ गई जो तो अख लगी ना तो देखा ख्वाब के अंदर आमना के लाल की जलवा करी हुई हुजूर ने इमामे आली मुकाम का सरे अकदस अपनी गोद में रखा कुछ सीने से लिखा नाल दुआ मंगी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सबरन व अजरा मौला मेरे हुसैन ने सबर भी अता फरमाई ते सबर दा अजर भी अता फरमाया सुभान अल्लाह हमने फरमाया कि बेटे हुसैन जेड़े तेरे मुकाबले तीर लेके तलवारा लेके नेजे लेके भाले लेके आए हुए ने असी सारे भी जानते हाँ अब जो तो अख खुली अजान का टाइम सी आपने खादम ने कहा अजान पर अजान हुई फजर की नमाज हुई यजीदी लश्कर के अंदर फिर नकारे बजे गोया ये जंग का ऐलान सी आपने साथी एक एक दो दो करके जाते रहे शहीद होते रहे सब तो आखिर पे करबला का दूल्हा इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो आप मैदान करबला जाने वास्ते तैयार हो और जो आप तैयार हुए तो अंदरों औरतों के शोर की आवाज़ आई पूछा की गल क्या गया कि नन्ना अली असगर है तीन दिन का प्यासा है हूँ तेरे को रोया भी नहीं जाता आप फिर मैं ठीक है मैं हुज्जत कायम कर देना आपने नन्हे बच्चे ने उठाया फिर मैं मेरे नाल तुहाड़ी लड़ाई होगी इस बच्चे नाल तो लड़ाई नहीं चलो एक घुट पानी के दो कतरे के मुँह खुद टपका दे एक बदबख्त सी हरमला बिन काहिल उन्हें कमान में तीर पा के जो चलाया बच्चे दे आके हलक एक तीर लग्या उसने हल्का जहा उछाला लिया रूह परवास कर गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने तीर खिंचा खूने मुबारक लेके ना आसमान वाल किया अर्ज की मौला एक कली असगर है अगर सैकड़ों के भी होते तो एक एक करके तेरे दीन वास्ते कुर्बान कर देता अब यार जो दीन का वेला आए मैं
है कि तू अपने पुत्र छुपा रहे हो, ये अपने भाई छुपा रहे हो, ये कल जब मास्टर का मैदान होएगा ताजदारे कायनात के सामने किस ने मुंह नाल जावांगे की कहांगे। हुजूर के सामने जो सरकार ने पूछ लिया, तेरा पुत्र अली अकबर नालों सोना सी, तेरा पुत्र अली असगर नालों सोना सी, तेरा पुत्र इमाम अली मुकाम नालों सोना सी, तू ज्यादा शान वाला सी, ते कोई होएगा जवाब دستار اپنے سرے اقدس تے رکھی، مولا علی پاک دی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ وچ لئی، امام حسن پاک دا پٹکا اپنے لک نال بنیا، آپ تیار ہوئے تے جاندے اپنی ہمشیراں نوں کہندے رہے تو صابرہ فاطمہ دی بیٹی ہے، تواڈے تے ظلم دے پہاڑ ٹٹن گے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور آپ جدوں سواری تے سوار ہوئے چلن لگے نا تے دیکھا آپ والے ایک سوار آ رہا سی، سامنے سوار تیزی نال گڑاندا ہویا، صبر حسین ایویں مشہور نہیں، آپ نے دیکھا سوار میرے وال آ رہا، آپ رک گئے، پوچھا کتوں آئے، کہ جی میں مدینہ تو رسول تو آیا، کس طرح آیا؟ نے کہا جی یہ پیغام ہے، جب آپ نے اس خط نو کھولیا نا تو حضرت سیدہ صغرہ امام حسین دی لخت جگر جیڑی بیمار سن تے مدینہ شریف سن، اے انہاں دا خط سی۔ خط دے سلام دعا تو بعد پوچھا کہ میں نے بھائی علی اکبر نے کیا سی چند دنوں تک میں آ کے لے جاؤں گا، بھائی علی اکبر لینے واسطے نہیں آئے کہ بابا میں کلی ہاں پریشان ہاں، تہاڈے کول تنہاں علی اصغر بھی ہے، میر علی اکبر بھی ہے، تے میرا میر علی اصغر تے ہن چلدا بھی ہوئے گا۔ آپ نے اس خط نو پڑھن تو بعد نا جا کے گھر دے تو خیمے چ سنایا، تے پھر انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ پھر امام علی مقام نے آسمان اور میں کیا کیا اللہ، یا اللہ میں اے اپنے سارے جتنا قربا ہے میں انہوں تیرے سپرد دیتا، میں تیرے دین واسطے قربان ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ یار وہ باپ جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے اٹھ دن گھر تو دور رہو نا تو بالوں کی محبت انہوں قربان دی ہے کہ کوئی طریقہ ہو میں جاوا قربان جائیے امام علی مقام نے کہ آپ نے بیمار لخت جگر مدینہ تو رسول کے اندر موجود تے سارا کنبا شہید ہو گیا، تے آپ پھر بھی میدان کارزار دے اندر جا رہے ہیں۔ مختصر کرنا، جدو امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اب زمین تے جلوگر ہوئے، اس کے بعد یزیدیہ نے جس میں پاک کے کوڑے دوڑائے، جب شام ہوئی تو یزیدیہ نے جشن منایا، شرابہ پیتیاں شرابہ پی کے تو کچھ سو گئے، اور حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ آپ اٹھیاں اور اپنے بھائی دی لاش نوں تلاش کرنے واسطے میدان کربلا دے اندر گئے، اور امام زین العابدین بہت بیمار سن، آپ بھی مگر مگر چل پئے۔ ہم نے کی دیکھا کہ ایک جگہ تے امام علی مقام خوشبو تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچان لیا، اور بھائی نے اپنی گود رکھ کے نہ مدینہ تجیبہ وال منہ کیا، عرض کی تھی آقا
हाजा हुसैन मुजम्मिल दिमाग व मुकतुल आजा आका ए तुहाडा हुसैन है जिहदे जिस्म दे टुकड़े हो गए खून दे अंदर लत पत है अर्ज की थी भाई जान इत शहर मदीना बहुत दूर है मैं तेरा कफन किस तरह लिया इतनी देर तक डिगदे पढ़ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आ गए और इमाम अली मुकाम के ऊपर अपना सर रख के उस वक्त एक तारीख बयान नहीं कर सकती कि बेटे की हालत की होगी जरा बाप की लाश न लिपट के बाप की कोई आम तो नहीं बाप तो वह है जरा सैयद अलंबिया के कंधिया से सवारी करने वाला है बाप तो वह है जिन्होंने आका ने इरशाद फरमाया अना हुसैन मिन्नी वा अना मिनल हुसैन पर मैं हुसैन मेरे चो है मैं हुसैन चो हाँ बाप भी वह है इतनी देर तक ने घुड़सवार नकाब किया हो मैदान करबला के चक्कर लाद्या लाद्या ना पुच रहे ने यह कि लाश है ये इमाम अली अकबर का लाश है यह नन्ना लाश है कि यह इमाम अली असगर का लाश है यह कि लाश है यह हुसैन इब्ने अली का लाश है सारे पुछ के जो जान लगे ना तो उदो अम्मा जी ने पूछा कि बाबा जी तुम कौन हो जो रात के इस पैर साडे दुखियां की खबर लैन वास्ते आए हो जो तो चेहरे तो नकाब उठाया तो इमाम अलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा आप खुद चकमक मैं अर्ज कर रहा सर यजीदी तो चाहते सर इस सर को चुकाना की चाहते सर लेकिन जो तो सुबह यजीदी चले इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कह दी बीबियां भी कह दी एक दर्दनाक दास्तान है सब कैदी बनाया हुआ लेकिन जिस सर को झुकाना चाह रहे सन सब तो उच्चा वह सर सी सब तो उच्चा सर वो सी वो सर सरबलंग सी गोया जो हक वास्ते कटता है वो सर झुकना नहीं है सर बुलंद हो जाया करता है वास्ते अज हालात हो ही ने इत जो शराब में जनाब शराब का बिल एक हिंदू पार्लीमेंट के अंदर पेश कर रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लीमेंट के अंदर क्या शराब को हराम करार दिया जाए तो डब्बू चौधरी उसके खड़ा हो जाता है ये पार्लीमेंट की बात नहीं है कोई पीता है पिए कोई नहीं पीना चाहता नहीं पिए पार्लीमेंट में इसको हम हराम हलाल की बात यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे मैं ये दसो फिर कौम का खामोश रहना बनता है ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਤੇ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਫਾਜ਼ੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ बड़े पुड़क पुड़क के लबैक के नारे लाने वेखे की होया मैं की होया बादशाह शुक्र है अल्लाह का हुजूर दी इज्जत वास्ते सामने चुनिया गया हुजूर की इज्जत और नाम उस वास्ते सानू चुनिया गया और यजीदी भी मौला हुसैन के मुतलक बहुत कुछ कहते सन लेकिन आज कायनात को पता चलिया कि यजीद मिट गया हुसैन बाकी है और यजीद के गुलाम जुल्म करने वाले एक दिन इंशाल्लाह मिट होना भी जाना है और मौला हुसैन के गुलामों का नाम बाकी रहना है कुछ भी नहीं बाबा जी फरमाते होंगे सन सियाबा ने अपने जिस्म दे अहले बैत ने अपने जिस्म दे इस दीन वास्ते टुकड़े करा दिते बादशाह साडे अजे टुकड़े तो नहीं ना होए असीं तेरे गिरफ्तार ही होए ना इस वास्ते जो जुलम का निजाम होंगे ना तो जुलम के सामने खलोना पैदा की नाम है जी काला जड़ा है जड़ा है अपना अमरीका का सदर है अफ्रीका का नहीं अफ्रीका का सदर
नेल्सन मंडेला ओदी दास्तान अगर पढ़ो ना ओने अपनी दास्तान च लिखया कहंदे ने कि मैनू जदों जेल दे अंदर बंद किया जाता सी मैं पानी मंगदा वास्ते एक सिपाही आके मेरे मुंह ते पेशाब करदा सी पानी नहीं सी देता वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो कहता है कि मैं जदों वेख्या भी मेरे साथी छोड़ गए फिर तो जुल्म दी इंतहा मेरे दिल च ख्याल आया सवेरे मैं भी लिख के दे देना कहते मैं कि देखा कि रात मौला हुसैन मेरी ख्वाब फरमाया तू जुल्म के खिलाफ खलोता है पीछे ना हटी जरा जुल्म के खिलाफ खलोता है मैं बादशाह जो तुम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओगे तुम इन्होंने जालमा के जबर के खिलाफ खड़े हो जाओगे अब जुल्म की इंतहा देखो नहीं तो मेरे नाल चलो मैं दिखाना इतने जनाब कुर्सी की जंग हो रही है इतने कुर्सी वास्ते लड़ाई हो रही है राजपुर चले जाओ बलोचिस्तान चले जाओ एक मां ऐसी है जेरे तेरे पुत्र रुड़ गए चार बेटियां रुड़ गई सारा घर रुड़ गया मां रुड़ गया पुछण वाला कोई नहीं तहरीक लबैक के बंदे तारे चो लाशा कल कट के रख के वो बैठे हकूमत के कोई इलम च नहीं अगर उसे पहुंची तो तहरीक लबैक पहुंची एक करोड़ रुपए मुल्क का बजट खा गए करोड़ा लख रुपए इन्होंने तनखाह और सालाना इन्होंने हिसाब करो करोड़ों के अंदर मरा के नहीं अच्छा किसे जात ने भी खुद कुछ अपना खुद नोटिस लिया भी इतना जुलम होया उठे लोग पानी च बह गए हुक्मरान किसे सन किस लिया खुद नोटिस यार जो अदलिया भी देख चुकी हुई और जो जनाब अंग्रेज के पिट्ठू और गुलाम भी बिक चुके और मुसलमान बेटियां सड़क से आके अपनी इज्जत बेच रही होने ये कौम फिर भी सुती पई हो यार ऐसी बेहिस कौम कोई हो सकती मां अपनी दो बेटियां लैके नाल कतबा चुप के खलोती होए कि बेटी बराए फरोख्त पूछा जाए क्यों बेचन आई है उन्हें कहा जो भुख की वजह तो रोंदियां ने मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदिया जो फटे पुराने कपड़े वेखदियां मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदिया मां अपने बच्चों समेत नहरे छाल मार दे मेरे को भुख नहीं देखी जाती और उधर हुक्मराना के कुत्ते भी ऐसी थले पे हो उन्होंने जनाब घोड़े बड़बे खा रहे हो दसो यार ये कौम उदो भी बेहिस हो के पई रहे तो कौन निजामे मुस्तफा की बात करेगा इन जालमान टकराने की बात करेगा हाँ हाँ इन जालमान टक्कर लेने वास्ते किबला अमीर अल मुजाहिदीन ने नक्शे जिगर मैदान अमल अंदर मौजूद है तहरीक लबैक या रसूलल्लाह दे नाल खड़े हो जाओ तहरीक लबैक दा और कोई मंसूर नहीं है तहफ्फुज़ अकीदा खत्मे नबुव्वत और नामोस रिसालत मुल्क दे अंदर निफाज़े निज़ामे मुस्तफा तुस चाहते हो निज़ामे मुस्तफा हाथ उच्चे हाथ खड़े करो जेड़े निज़ामे मुस्तफा उच्चे उच्चे आसे पासे नाले वेखो कोई मरिया दाणा नहीं बैठा बस निज़ामे मुस्तफा वास्ते तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मैदान अमल दे अंदर तहरीक लबैक के नाल खड़े हो जाओ इस दौर के अंदर हुसैनी किरदार है मौला हुसैन की गुलामी है कि जुल्म के सामने डट के खड़े हो जाना मौला हुसैन पाक ने सब कुछ कुर्बान करके जमाने नु दस दिता है जुल्म के अगे झुकना नहीं है कट जाना है जुल्म मिट जाएगा हक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन हक दी फतह हक नहीं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है मालिक हम सानू हक के नाल लगे रहने की तौफीक अता फरमाए बाआखिर दावा या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।